सही गाइस, न्यूज ब्रदर्स तो फजबल बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी आयशा खान के बारे में। जो कि मुनव्वर फारूकी आयशा खान का इस वक्त जो कंडीशन चल रहा है, तो कह सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। होता क्या है कि आयशा खान जब से आती हैं तो उनसे अपनी तरफ से क्लियरिटी वो मांगती रहती हैं, जिसके कारण से मुनव्वर फारूकी का गेम से बिल्कुल भी फोकस हट गया है। होता क्या है कि आयशा खान बोलती हैं कि जब आपने हमारी बातों को एक्सेप्ट किया था उस वक्त, यानी कि कह सकते हो हमारी मोहब्बत को जब आपने एक्सेप्ट किया था, तो आप दूसरे से कनेक्शन में कैसे रह सकते हो, वो क्लियरिटी मांगती है। तो वहां पे क्या मुनव्वर फारूकी बोलते हैं कि हाँ, ये हमने आप सभी को क्लियर करने की कोशिश किया था, लेकिन किसी वजह से आपने हमारी बात नहीं सुनी, जिसके कारण से ये गलतियां हो गई हैं। लेकिन पिछले एपिसोड में देखने को मिला है मुनव्वर फारूकी को एक ही बात वो समझाती हैं कि आप अपने गेम पे ध्यान दो, फिलहाल जो हुआ सो हो गया है, उसे खत्म करना है, लेकिन ट्रॉफी को जीतकर बिल्कुल भी डोंगरी लेके आना है, जिस तरीके से आपने वादे किए हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के मुनव्वर फारूकी इस चीज पे ध्यान दें और अच्छे तरीके से गेम खेलने की कोशिश करें। तो काफी सारे लोग का यही ओपिनियन है कि मुनव्वर फारूकी इस वक्त बहुत ही गलत तरीके से खेल रहे हैं। ये सभी को पता है कि मुनव्वर फारूकी दिमाग से इंटेलिजेंट है, उनको पता है सही है क्या और गलत क्या है, इस बात को लेकर वो भी एग्री करते हैं। अगर वहां पे कहीं पे भी अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, और उस चीज को लेके फॉरगिविंग, यानी कि वो आप माफी मांगते ही रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन काफी सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो मुनव्वर फारूकी का मजाक तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उन्हें खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि मनारा चोपड़ा के बारे में बात करते हैं, तो मनारा चोपड़ा जो कि उनकी बातों में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल भी कह सकते हैं कि मनारा चोपड़ा का बिल्कुल भी फ्रेंड है मुनव्वर फारूकी, इसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता है इस बात को लेकर कि उसके साथ जो हो रहा है इस वक्त बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। जब भी मनारा चोपड़ा को कोई बुलाता है, जब उनके बीच में जाते हैं, तो बिल्कुल भी मनारा चोपड़ा किसी की भी बात नहीं सुनती है, केवल मुनव्वर फारूकी और आयशा खान की ही बातें सुनती रहती हैं। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है? क्या मुनव्वर फारूकी मनारा चोपड़ा जब इतने खासे फ्रेंड है तो क्या वो इन चीजों से छोड़ सकती है, नहीं छोड़ सकती है? तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली ये अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सालार मूवी के बारे में। सालार मूवी जो कि 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिल सकता है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप उसकी टिकट खरीदोगे तो नहीं खरीद सकते हो। होता क्या है कि इसकी जो टिकट बुकिंग है वो बिल्कुल भी आईनॉक्स वाले हो गए या फिर पीवीआर वाले हो गए, ये सब इनकी एडवांस बुकिंग रोक दिए गए हैं। आखिर एडवांस बुकिंग रोक क्यों दी गया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रोक क्यों दिया गया, इसका जो पीछे का कारण है, क्योंकि पीवीआर वाले हो गए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि इस वक्त फिलहाल हम टिकट नहीं सकते हैं। अब इसके पीछे का जो कारण है वो पहले आपको समझना चाहिए। जब आप साउथ में देखते हो तो 70-80 हजार बिल्कुल भी टिकटें बिक गई थी सलार मूवी की, लेकिन नॉर्थ में बिल्कुल भी बिकना बंद हो गया है फिलहाल। अगर आप करते हो तो देखने को नहीं मिल सकता है, या फिर आज ये वीडियो लेट हो जाएगी तो हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है कि एडवांस बुकिंग हो रहा हो, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाता है। प्रभास के फैंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इस चीज को बिल्कुल भी ट्विटर पर ट्रेंड कराने में लग जाते हैं, और बिल्कुल भी ट्रेंड में आपको एक नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा बायकॉट पीवीआर अजय बिज, जो कि उनके ओनर है, जो कि पीवीआर के हैं, जो कि उनको बायकॉट के मांग कर रहे हैं। यहां तक कि डंकी मूवी के बारे में भी काफी सारे लोग ओपिनियन दे रहे हैं कि उस फिल्म को लेकर काफी सारे लोग ये भी जता रहे हैं कि उस फिल्म की वजह से ही इस फिल्म के कलेक्शन पर रोक लगा दिया गया है। तो काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा इस वक्त गुस्सा हैं, और वहीं पे क्या होता है ना कि वो बिल्कुल भी डंकी फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिल्कुल भी एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस वक्त शो कर रहा है ट्रेंडिंग में, लेकिन उसमें डंकी के जो जो फैंस वगैरह हैं वो बिल्कुल भी सालार को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से सालार ने बिल्कुल भी डंकी को लेकर उन्होंने मीम पोस्ट किया था, उस तरीके से डंकी भी बिल्कुल भी सालार को लेकर ये मीम्स पेश किया है। तो भाई क्या ही कह सकते हैं, एकदम बड़ा वाला क्लैश देखने को मिल सकता है। इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं संदीप महेश्वरी सर के बारे में। संदीप महेश्वरी की वीडियो आपने दो वीडियो देख लिया होगा, जो कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड वाले, जिसमें कि काफी सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी थी कि उनको किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, फिर उसके बाद उस काम में लाया जाता है, जिसके कारण से उनकी अच्छी खासी पैसे लगते हैं, तब जाके उसमें काम करते हैं और उसमें भी वो फ्लॉप ही रहते हैं। संदीप महेश्वरी सर जो दूसरी वीडियो डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है स्टॉप स्कैम बिजनेस, ठीक है, जो कि उसमें भी काफी सारे लोग हैं जो कि स्कैम तरीके से लोगों को बुलाते हैं, फंसाते हैं और फिर अपने अंडर में काम कराते हैं, जो कि उसमें कई सारे लोगों को जोड़ना भी रहता है,
जो कि कुछ इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, और उनकी तीसरी वीडियो आउट हो चुकी है और उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल भी स्टॉप विवेक बिंद्रा। ठीक है, तो होता क्या है कि जो दो वीडियो अपलोड की थी तो उसमें काफी सारे लोग ने अपनी अपनी राय रखी थी कमेंट सेक्शन में कि विवेक बिंद्रा हो सकते हैं, या फिर काफी सारे लोगों ने यह भी कहा था कि कोई और भी हो सकता है, या फिर सबकी अपनी अलग अलग की राय है। लेकिन काफी सारे जो 90% के लोग हैं उन्होंने, काफी सारे लोग बिल्कुल भी विवेक बिंद्रा सर का नाम लिया था। अब इन्होंने बिल्कुल भी तीसरी वीडियो डाली है और इसमें काफी सारे लोगों की राय रखने की कोशिश की है। तो एक लड़की से जब पूछते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ पे आना पड़ा, तो वो बताती हैं कि काफी सारे लोग उन चीजों में जुड़ रहे हैं और काफी सारे लोगों को बुलाते हैं, तो काफी सारे लोग यानी कि लोग मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं तो वो अपने फ्रेंड को ही इन्वाइट करते हैं कि आपको आने चाहिए, इसमें अच्छा खासा कमाई है, मतलब तरह तरह के उनके बिजनेसेस जो है वो उस तरीके से उनको बताते हैं और अप्रोच करते हैं। और कभी कभी तो होता है क्या है कि उस लड़की का जो भाई रहता है उनको भी इस चीज में बिल्कुल भी घसीटा गया था, जिसके कारण से उन्होंने अपनी ओपिनियन दी थी। तो भाई क्या ही कह सकते हो, एकदम बड़े लेवल की स्कैम तो फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने बिल्कुल भी स्टॉप विवेक बिंद्रा करके उन्होंने बिल्कुल भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको ज्यादा रिव्यू चाहिए तो आपके उनके चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे लोग विवेक बिंद्रा का ही नाम घसीटने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी ओपिनियन इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। तो इस बार में आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मनोज दे के बारे में, जो पेशे से एक यूट्यूबर है जो आप सभी को जानते ही होंगे। लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी एक ब्लॉग शूट कर रहे थे, जो कि वो इस वक्त इंडोनेशिया में है, वहां पे ब्लॉग शूट वगैरह कर रहे थे। लेकिन एक ऐसे खतरनाक वाले प्लेस पे जाते हैं, ऐसे खतरनाक लोकेशन पे जाते हैं जहां पे उनको ब्लॉग शूट करना तो छोड़िए उनको चलना तक मुश्किल हो गया था, और यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा उनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। होता क्या है कि जब वो इंडोनेशिया में जाते हैं तो वो इंडोनेशिया में एक लोकेशन है क्लिंगिंग किंग बीच करके, ऐसा कुछ नाम है, माफ करना मैं गलत भी बोल दिया हूंगा। तो उस बीच पे वो जब जाते हैं ना तो वो बहुत ही खतरनाक वाला ट्रैक रहता है और वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके नीचे जाने के लिए लगभग कह सकते हैं 1 से 2 घंटे लग गए थे। और यहाँ तक कि मनोज दे का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, और वो भी बताते हैं कि आज मरते बचा था क्योंकि लोकेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला हो गया था। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं गोविंदा के बारे में। गोविंदा को आपने सिनेमा घरों में अब तक काफी समय से नहीं देखा होगा, वो फिल्मी दुनिया से अब लगता है थोड़े थोड़े साइड होते चले जा रहे, या फिर कुछ वजह होगी जिसकी वजह से वो देखने को नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। लेकिन वो बिल्कुल भी रोड के साइड में अपने मतलब घर पे या फिर कोई तो लोकेशन तो होगी ही, लेकिन वहां पे वो अपने बर्थडे मनाते हुए नजर आए अपने कुछ फ्रेंड और कुछ रिश्तेदारों के साथ। तो इस वीडियो को जरूर से देखना चाहिए। तो भाई क्या ही कह सकते हो, बर्थडे कुछ इस तरीके से मना रहे हैं। आज वो बिल्कुल भी 60 साल के हो चुके हैं, यानी कि 21 दिसंबर का उनका जन्मदिन था और वो बिल्कुल भी आज 60 साल के हो गए हैं और काफी सारे लोग उनको जानते भी हैं। अगर उनकी बधाई देना है तो उनके जाके कमेंट बॉक्स में जरूर से दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं केआरके के बारे में। केआरके जो कि कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन काफी ज्यादा अगेंस्ट पोस्ट करते रहते हैं। होता क्या है कि वो किसी एक्टर को रोस्ट करना होता है वो भी करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि बिल्कुल भी मुनव्वर फारूकी के पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में आपको बिल्कुल भी आयशा खान, मुनव्वर फारूकी और नजीला ये तीनों बिल्कुल भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सॉन्ग जो लगाते हैं जिस तरीके से उन पे वार रहता है वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। और वो ये लिखते हैं उस पोस्ट में, मुनव्वर फारूकी हिज गर्लफ्रेंड, हा 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 कुछ इस तरीके से वो लिखते हैं। तो भाई क्या ही कह सकते हो, उसका भी बात अलग ही है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और इस वक्त हमें सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, कुछ इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो।